सुनो सुनो देशवासियों, इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे, हम सभी परिवार दीपावली मनाएंगे, लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे। सबसे पहले मानव की महत्वपूर्ण जीवन हम बचाएंगे, देश में पटाखे नहीं जलाएंगे, देश में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। जी हां, आप भी अपने जीवन के लिए जागिए, अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी, सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। चले आओ अयोध्या नगरी, अवध नगरी में आकर आपका हार्दिक स्वागत करती है अयोध्या। दीपावली उत्सव अवधपुरी की नज़ारा देखने के लिए श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मभूमि का अवध नगरी तीर्थ स्थल कितनी खुशियों के साथ आज झलक दिखाई दे रही है। भारत एवं विदेशों में चमक रहा है हर वर्ष की भांति अयोध्या नगरी। शोभा बढ़ाने के लिए हमेशा उत्तर प्रदेश के योगी जी लगातार अवधपुरी की सौंदर्यता और सुंदरता, भव्य राम मंदिर की निर्माण और अयोध्या की विशाल श्री राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो इसकी रूपरेखा देखने लायक होगी। आइए हम सब चलते हैं अयोध्या नगरी। लगातार जिस तरह से वहां पर छोटी दीपावली बड़ी दीपावली खुशियों के साथ मनाई जा रही है, आप दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या भव्यता के साथ। आप देखिए एक रिपोर्ट। अवधपुरी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं लाइट या दिए से जगमगा रहा है पूरा अयोध्या। आज अयोध्या किनारे आप देख सकते हैं सरयू किनारे बसा हुआ अयोध्या, और लगातार आप देख सकते हैं यह राम जन्मभूमि का स्थान है। और आपको दिखा रहा हूँ यह जो आप ज्योति देख रहे हैं 5,84,000 दिए जलाए गए हैं, और लगातार आज जो है अयोध्या का शान आन बान शान बढ़ा रहा है और आज देश का आन बान शान आप देख सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार यहां पर जब से प्रधान मुख्यमंत्री हुए हैं लगातार जो है यहां पर दीप उत्सव मनाया जा रहा है और यहां पर गिनीज अवार्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है। तो ये 5,84,000 दिए का यह आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं। लगातार अयोध्या अवधपुरी का जो नज़ारा आप देख रहे हैं या देखने लायक है, और पूरे भारत में आज इसी पर नज़र है और विदेशों के लोग भी आज यहां पर्यटन के रूप में दर्शन करने आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां सालों साल हमेशा भीड़ भाड़ रहती है और मंदिर अपार मंदिर देखकर आप सौंदर्यीकरण की एक अनोखी दिखाई देती है। हर गली हर मोहल्ले में यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है। आप देख सकते हैं श्री राम जी का जन्म स्थान यहीं पर मौजूद है अयोध्या नगरी में, और आप विशाल का जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो आने वाले वक्त में हमारे देश और विदेशों के लोग यहां पर हमेशा लाखों लाखों की संख्या में उमड़ेंगे। तो आइए हम अयोध्या नगरी के भव्य दीप उत्सव आपको दिखा रहा हूं। लगातार आप देखिए जिस तरह से आप देख कर यहाँ की धूमधाम, यहाँ की हर मंदिर में सजावट जिस तरह से देखी जा रही है। श्री राम पुरुषोत्तम जी के आज जो है यह स्थान पर तीर्थ स्थान पर कितनी सौंदर्यीकरण बढ़ाई जा रही है। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी लगातार यहां पर मौजूद होकर अपनी हाजिरी देते हैं श्री राम जी के स्थान पर, और लगातार अपनी जो है विकास स्तर बढ़ाने के लिए अयोध्या का आज तात्पर्य खड़े हुए। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।